गुड इवनिंग दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं इकबालपुर मोड़ पर और इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं और यहां पर इकबालपुर मोड़ पर एक हादसा हो गया है। एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया है और हादसे में इस एक शख्स की मौत हो चुकी है। आइए हम यहां पर लाइव आपको दिखाते हैं, यहाँ स्थानीय लोगों से बात भी करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त, ये देखिए, ये जो शख्स जिसका मृत्यु हो गया है, उसका एक्सीडेंट में जिसका मौत हो चुका है, उसका बैग इस तरफ में फेंका हुआ है, गिर गया है। और ये बाइक है, यही बैग का एक्सीडेंट हुआ। बाइक नंबर है WB07B3487 और बाइक के पीछे में डिफेंस लिखा हुआ है। और इस वक्त पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अल्लाह रहम करे। तो गाड़ी का ही निकालने दो, पेपर बैग है, विक्टिम का बैग है, एक्सीडेंट जिसका। सर पेपर देखिए ना उसका, कहाँ कौन लड़का है, पता चला तुम्हारे सब निकल जा रहा है। पुलिस को उसका मोबाइल फोन हैंड ओवर कर दिया गया है। हाँ मिल गया है, पुलिस ले लिया है, लोग सब कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस चेक कर रही है इस वक्त। भेजो दादी, मामला इस तरफ हुआ था इकबालपुर मोड़ के पास में। और जैसे कि देख सकते हैं आप, यहां पर इस वक्त धुलाई किया जा रहा है। इकबालपुर और सिमारा हॉस्पिटल के जाने के तरफ में जो क्रॉसिंग है, उसी क्रॉसिंग के बीच में लोगों का कहना है कि स्किड करके ये हादसा पेश आया। पीछे से एक ट्रक जो था ट्राम लाइन में स्किड करके ये हुआ है और वो पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसी ने वो धक्का मार दिया यहाँ पर। ट्राम लाइन की वजह से ट्रैफिक पुलिस एक भी नहीं रहता, रात का टाइम में ट्रैफिक पुलिस रात का टाइम में यहाँ पे नहीं रहता है। रात का टाइम में तो ट्रैफिक पुलिस गार्ड को होना बहुत जरूरी है यहाँ पे ना। पूछते हैं एक शख्स जो है, हाँ ये एक सेकंड, इस तरफ लाइट आ रही है। ये लड़का पूरा आंखों देखी है, इधर क्या नाम है आपका, नाम क्या है? शेख शाहबुद्दीन। क्या देखे आप? मैंने देखा यही कि है, ट्रक का गलती है ये पूरा पूरी, ठीक है। एक ट्रैफिक नहीं था, सबसे पहले बात, यहाँ पे कोई नहीं था, ट्रैफिक नहीं था, मैं ऑलरेडी इस पार हो रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि गाड़ी स्किड खा के गिरा है, उसका बाइक स्किड खा के गिरा है, ट्राम लाइन है, ज्यादा सा बात हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो स्किड खा करके गिरा है, खैर जो भी है, अभी एक्सीडेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी यही है, जो जिसका औलाद या जिस घर का औलाद है उसका खबर लगाना है। और आपसे रिक्वेस्ट है अभी भाई, जो गाड़ी का नंबर और पुलिस जो तहकीकात कर रहा है, उसका एड्रेस वेड्रेस कुछ मिल रहा है तो उस पर ध्यान दे, थोड़ा कैमरा करे उस पर, ताकि हाँ गाड़ी भी पकड़ाया वहाँ पे जो गाड़ी ने धक्का मारा है, आगे से वहाँ पर पकड़ा गया पुलिस का। यहाँ से जब ये सब यहाँ पर देखा है, जहाँ पर गिरा हो वहाँ पर से उसको दौड़ के पकड़ा चाहिए। हमारा मेरा फ्रेंड पकड़ा, उसका घर पता चला है। अभी जो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसका अभी तक नाम इस वक्त पता नहीं चला है। ये सब कुछ है, गाड़ी पकड़ा वहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं सब है उधर, क्या कुछ पता चला? कुछ पता चला? हाँ, क्या नाम? नाम अभी तक नहीं ये किया है, बेहाला का इतना समझ में आया। बेहाला का है, बेहाला का है, इतना समझ में। पाछरपाड़ा बोले कोई जगह है, पाछरपाड़ा बेहाला शख्स का है। उनका फैमिली को कांटेक्ट किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है। बॉडी कहाँ है? बॉडी अभी बॉडी को फिलहाल पीजी लेके गया है। हम लोग आए तो तब तक पीजी बॉडी को उठाया जा रहा था, लेकिन इतना मालूम है स्पॉट हो चुका है, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। बहुत घातक बोले, इतना खराब एक्सीडेंट आज तक हम लोग नहीं देखा, जो बदन का एक एक पार्ट सब बाहर निकल गया। जिंदगी में ट्रक कुचल दिया ड्राइवर को, अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है। ड्राइवर को पकड़ के पुलिस कस्टडी में, अभी पुलिस कस्टडी में है, ड्राइवर को अभी पकड़ के रखा गया है। और ऐसा एक्सीडेंट जिंदगी में हम लोग कभी नहीं देखे।
हैं जिस तरीके से आज यहाँ पे एक्सीडेंट। हम आपको अभी दिखाएंगे कौन सा ट्रक जिसके थ्रू से जो एक्सीडेंट हुआ था, वो ट्रक उस तरफ में है, आप जैसा कि देख सकते हैं एक ट्रक, आप देखिए सीएमआरआई के सामने वो ट्रक खड़ा है, उसी ट्रक के द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर छूटने नहीं चाहिए, और ये इसी जगह पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्राम लाइन है, यहाँ पर ये ट्राम लाइन क्रॉसिंग इकबालपुर मोड़ पर है, यहाँ से ये जो रास्ता है ये सीधा ये रास्ता सीएमआरआई बीएम बिरला अलीपुर जू की तरफ जाता है, इकबालपुर मोड़ है ये, और ये रास्ता जो आप यहाँ देख रहे हैं ये माजरहाट की तरफ जाता है, और ये रास्ता खिदरपुर की तरफ जाता है इस वक्त, ताकि पुलिस पूरी जो रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है। और सर जाना गया सर बारी तक के केस से, और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। शहबाज क्या हुआ था मामला? मामला क्या हुआ था बाबू? एक्चुअली देखिए शॉर्ट में सीधा बता बात है, सिग्नल खुला हुआ है, आ रहा है गाड़ी, वो स्किड खा के गिरा है, गिरने के बाद ये चढ़ा दिया है पूरा, अब उसको रुका रहे हैं, रुक रहा नहीं है, उसके बाद जो ऊपर ओवर चढ़ाया ना जब पूरा, मतलब उसका ये निकल गया पूरा लाइव मेरे आँख के सामने, तो हम उसको आवाज़ दे रहे हैं रोक रोक, उस पास से आवाज़ दे रहे हैं, तो वो रोका नहीं, बहुत बड़ा इसका ये गलती है। तुमने उसे रोक लिया ना? मैंने हाँ मैंने उसे रोका, तो साथ में और भी भाई लोग आए गए, तो गाड़ी लगा करके उसको रोक करके उतारे, बाकायदा पुलिस कैन ओवर की है अभी। तो इस वक्त ये जो लाइव हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर लाइव जो मामला इस वक्त पेश आया है, रात के 12 बज चुके हैं, और यहाँ पर एक शख्स जो कि बताया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद कि वो बेहाला के तरफ से ताल्लुकात रखता है, बेहाला एरिया से, और उस शख्स का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में उस शख्स की मौत हो चुकी है। हम लोगों ने ये जो टू व्हीलर है उसका नंबर तमाम चीज़ों का डिटेल्स यहाँ पर रख दिया, अगर हमारे जो व्यूवर्स आपके जानकारी में अगर कोई मिले तो उनके घर तक ज़रूर इत्तला करें। आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट पर फर्दर अपडेट्स के लिए। उनका एड्रेस देखिए ना, एड्रेस कहाँ पे